प्रदेश भर में बटवारी संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जिसमें धार जिले के पीथमपुर तहसील में पटवारी संघ के आह्वान पर पिछले 18 दिनों से क्षेत्र के पटवारी तहसील कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठे हैं। करीब 20 से ज्यादा पटवारी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यहां बैठे रहते हैं। आज पटवारियों के हड़ताल का समर्थन करने मध्य प्रदेश पटवारी संघ के धार जिला अध्यक्ष नवीन मुकाती ने भी पीथमपुर पहुंचकर पटवारियों के समर्थन में धरना दिया। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष नवीन मुकाती के अनुसार जहां महंगाई आसमान छू रही है, वहीं पटवारी अभी भी कम वेतन पर काम करने को मजबूर है। वहीं आगे बताया गया कि सरकार द्वारा वेतन मान ग्रेड पे 2800 रुपए करने के लिए घोषणा की गई थी। विगत 25 वर्षों में प्रदेश के पटवारियों के वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं की गई है। वहीं आवास भत्ता भी अब तक 250 रुपए के लगभग है, जो इस महंगाई के दौर में मकान मिलना संभव नहीं है। पटवारी संघ के अनुसार आंदोलन के तहत पटवारी संपूर्ण शासकीय कार्यों से विरत हैं। वहीं हड़ताल पर बैठे पटवारियों में पीथमपुर तहसील खेड़ा जामोदी मंडला वदा सागर आदि जगहों के पटवारी मौजूद रहे। पीथमपुर से संजय सोनगर। हमारी प्रमुख 5 सूत्री मांगे हैं। प्रथम मांग तो हमारी वेतनमान की है, जो 28 पे ग्रेड की है। सन 1998 से अभी तक हमारी पे ग्रेड अपग्रेड नहीं हुई है, 2100 पे ग्रेड पर चले आ रहे हैं। 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनावत सम्मेलन में घोषणा की थी 2800 पे ग्रेड की, लेकिन आज तक 2800 पे ग्रेड नहीं दी। 2800 पे ग्रेड की प्रमुख मांग है। दूसरी मांग हमारी पदोन्नति की है। जिस प्रकार से नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, SLR, ASLR सबकी पदोन्नति की गई है, वैसे पटवारियों की भी राजस्व से पद पर पदोन्नति की जाए। तीसरी मांग है हमारे वेतन भत्ते की मांग है। तो भत्ता जो है, हमको आवास भत्ता मात्र 2258 रुपये मिल रहा है, जबकि 3000 रुपये दिया जाए। यात्रा भत्ता हमको 200 रुपये दिया जा रहा है, जिसकी मांग हमने 2000 की है। आज के समय में 258 रुपये में आवास मिलना तो बहुत महंगा है, कम से कम सरकार ने महंगाई के हिसाब से हमें भत्ता देना चाहिए। हमारी तीसरी मांग जो है, संसाधन कमी। हमसे सीमांकन और तकनीकी कार्य पूरा करवाया जा रहा है, संसाधन उपलब्ध करवाए नहीं रहे। प्रत्येक तहसील में सीमांकन के लिए मात्र एक ही मशीन दी जा रही है। हमारा कहना है कि संसाधन मशीनों उपलब्ध करवाए, पटवारियों को टेबलेट उपलब्ध करवाए, मोबाइल उपलब्ध करवाए, तो संसाधन पूरे हमको दे तो हम काम करेंगे। तकनीकी काम हमसे करवाया जा रहा है, तकनीकी पद घोषित करने की भी हमारी मांग की जा रही है, लेकिन तकनीकी पद भी हमारा घोषित नहीं हो रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नवीन मुकाती, पटवारी, जिला अध्यक्ष धार। मेरा नाम समित मालाकार है, मैं पीथमपुर तहसील में पटवारी के पद पर पदस्थ हूँ। हमारी जो प्रमुख मांग है वो है 2800 ग्रेड पे की। 1998 से लेकर आज तक 25 वर्षों से पटवारी का ग्रेड पे नहीं बढ़ा है, अभी भी हम 2100 ग्रेड पे काम कर रहे हैं, जबकि हमारे साथ के जो राजस्व निरीक्षक हैं या फिर नया तहसीलदार हैं, वो अपनी ग्रेड पे आगे लेके हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो प्रमुख मांग हमारी है कि हमें 2800 ग्रेड पे मिलना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमसे जो 56 विभागों के काम करवाए जाते हैं, तो हमें वो संसाधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं करवाए जाते। पटवारी को सीमांकन भी करना है, पटवारी को सारे जो नामांतरण है, बंटवारे हैं, उनकी रिपोर्ट भी लगानी है, और दूसरे अन्य आवश्यक काम भी करने हैं, पर उसके लिए हमको संसाधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तीसरी जो मांग है हमारी वो ये है कि हमें जो हमारे भत्ते दिए जा रहे हैं, वो भत्ते आज के ज़माने में 21वीं सदी में 258 रुपये में किसी भी व्यक्ति को मकान नहीं मिल सकता है। 258 रुपये में हमें महीने का किराया मिलता है कि हम 258 रुपये में एक महीने अपना मकान का किराया भरेंगे। दूसरी चीज़ है, मैं यात्रा भत्ता के लिए मात्र 300 रुपये दिए जाते हैं, जबकि 300 रुपये में मैं अपने हल्के पे एक दिन जाता हूँ तो 300 रुपये का पेट्रोल जला कर आ जाता हूँ। तो शासन को ये सोचना चाहिए कि 258 रुपये में मकान और 300 रुपये में कोई कैसे यात्रा भत्ता उसको यूज़ कर सकता है। अन्य मांग हमारी ये है कि पटवारी को भी राजस्व निरीक्षक या नया तहसीलदार की तरह पदोन्नति दी जाए। अभी आपने देखा होगा कि 3 महीने पहले जो पदोन्नति हुई थी, उसमें राजस्व निरीक्षक को प्रभार देकर नया तहसीलदार बनाया गया, नया तहसीलदार को प्रभार देकर डिप्टी कलेक्टर का प्रभार दिया गया, पर पटवारी को अभी भी कोई पदोन्नति नहीं दी गई है। तो शासन से हमारी यही अपेक्षा है कि इस हड़ताल के द्वारा कम से कम वो पटवारियों की जायज मांगों को जाने, पहचाने और हमारे लिए कोई ना कोई उचित कदम उठाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।